अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन तमाम अहबाब को एक बार फिर वेलकम कहते हैं स्कॉर्पियन क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मौजूद हैं यहाँ पर BCL बिलाल चैंपियन लीग का इवेंट जारी और सारी है और जेरे इत्माम जारी है कामी भाई के आखिरी इख्तितामी लम्हात की तरफ है। कामी भाई सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा, फिर आऊँगा प्लेयर्स, बाकी यहाँ पर प्लेयर मौजूद हैं। दानियाल भाई मौजूद हैं माशाल्लाह से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मजीद कुछ लिखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। कामी भाई क्या कहेंगे, क्या सोच है, ये इवेंट है, 8 टीमें हैं, 10,000 रुपये एंट्री है, 90,000 टोटल अगर विनिंग प्राइज लगाई जाए तो विनिंग प्राइज है, 80,000 बनती है, उसके अलावा काफ़ी सारे दीगर अखराज हैं। ये आप देख सकते हैं दो टेंट लगे हुए हैं, दो दिन से ये भी लगे हुए हैं और इसके साथ साथ कई सारे चेहरे भी आपके साथ यहाँ पर आपकी इस वीडियो के दरमियान नज़र आ रहे हैं। ये सारे अखराज कैसे मैनेज होते हैं यार? बस ये तो उन लोगों की मेहरबानी है जो हमारे से ताउन कर रहे हैं। बाकी मकसद हमारा क्रिकेट कराना है, इलाके में क्रिकेट को उजागर करना है कि हमारे इलाके में क्रिकेट वापसी आ जाए। मतलब हमारे ऐसे नामी गिरामी प्लेयर क्रिकेट से हट चुके हैं जिनका ध्यान क्रिकेट में नहीं है, अपनी मसरूफियात के मुताबिक अपना हर बंदा अपना पहले घर देखता है उसके बाद। तो मकसद ये है कि अभी मैं इलाके की कह रहा हूँ तो इलाके में टूर्नामेंट कराया ताकि हमारे इलाके के नए लड़के बाहर आएँ और क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्राउंड पड़े। तो उस सिलसिले मैंने एक टूर्नामेंट कराया, ये दानियाल भाई मेरे पीछे खड़े हैं, इनसे मैंने एक मशवरा किया था, इन्होंने बोला कराया। तो बस कहते हैं एक लोग मिल जाए, कोशिश चल रही है माशाल्लाह से। आपके पीछे ये नन्हे मुजाहिद मौजूद हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ये सीनियर प्लेयर मौजूद हैं, ये इन बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, एक छोटा सा मैसेज, क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह से, कराची की हर लेवल की क्रिकेट आप खेलते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि भाई मेहनत करें, देखें किसी भी चीज़ में आप लगन और मेहनत से काम करें तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। कोई भी चीज़ हो, दुनिया की किसी भी कोई भी खेल हो, कोई भी चीज़ हो, जिसमें बंदा मेहनत करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर दानियाल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी हुक्म। अच्छा ये मेहमान बने माशाल्लाह। बिल्कुल जरा ये तस्वीर का दूसरा रुख है, दूसरा रुख ये है कि ये तो हो गए इंतजामिया, लेकिन यहाँ पर आने वाली टीमें जिनमें अली शिराज यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शेरवानी स्पोर्ट्स के कैप्टन भी हैं और एक सीनियर प्लेयर हैं। अली भाई क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? BCL इस वक्त आपके सामने नन्हे मुजाहिद भी मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर आपका व्यू भी सुनना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले भाई बहुत बहुत शुक्रिया कामी भाई, आप लोगों का आपने हमें इन्विटेशन दिया। और ग्राउंड जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, यानी मैं देख रहा हूँ कि बाउंड्रीज लग रही हैं, सबसे अच्छी चीज़ है, चार दीवारी हो रही है और पोल वगैरह भी लग रहे हैं, कामी बता रहा था ग्रास भी हो रही है, तो भाई अच्छी बात है। ग्राउंड जब आबाद होते हैं तो सीधी सी बात है जो गलत एक्टिविटीज़ होती है उससे बंदा डाइवर्ट होता है, और आप लोगों के लिए बन रहा है भाई, जब ग्राउंड बन जाए तो आप सबसे दरख्वास्त है इसका ख्याल रखें ग्राउंड का। जो भी यहाँ के बड़े हैं ऑर्गेनाइजिंग में हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट यानी अच्छी प्रमोट की जाए, यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, यंगस्टर नहीं है जो सीनियर खेल रहे हैं, यंगस्टर्स को चाहिए उनको आके देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करें, अपने स्टार्स जो हैं उनको सपोर्ट करें। और ये पेजेस जो भाई लाइव चलाते हैं, मैं आपको बता दूँ कि ये लोग धूप में बैठते हैं, कोई इनको हज़ारों करोड़ रुपये या लाखों रुपये नहीं मिलते हैं, इन लोगों को भी वही पैसे मिलते हैं जो सबको मिल रहे होते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है बंदा फ्री में भी करता है, तस्वीरें भी खींच रही होती हैं, आप लोग तो मतलब घर पे बैठ के देख रहे होते हो तो गलत कमेंट भी कर रहे होते हैं लोग, तो भाई जो गलत कमेंट कर रहे होते हैं तो वो सामने आके एक दो दफ़ा इनके साथ बैठ के ज़रा लाइव देखें तो फिर आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कितना मुश्किल काम है। यानी हमारा काम नहीं है मुश्किल, कीपिंग करना, फील्डिंग करना, बैटिंग करना, इनका काम भी असल है। मैच ख़त्म होने के बाद फ़ौरन ये लोग पोस्ट से हाथ के हाथ लगाते हैं, जो स्पॉन्सर इनाम देते हैं प्लेयर्स को, इसी वजह से प्लेयर्स ऊपर जाता है। जब ये लाइव ही नहीं चलाएंगे तो वही बात है कि आपको पता ही नहीं चलेगा किसने क्या परफॉर्मेंस दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोगों का काम ही बहुत अच्छा इवेंट जा रहा है माशाल्लाह से। और सबसे अच्छी बात है कि टाइम पे हुआ है, बस एक मैच कल नहीं हुआ, हो जाता है कि थोड़ी सी टीमें लेट हो जाती हैं, थोड़ा दूर है, कुछ प्लेयर्स को ग्राउंड नहीं पता, लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। क्योंकि मैं कल कामी से मेरी बात हो रही थी तो मैं उसको ये कह रहा था भाई हमारा ग्रुप कैसे होगा, तो जब हम आए तो तकरीबन 2 से 3 मैच हो गए, आज एक सुबह मैच हो गया, बस अभी 3 मैच है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अच्छे उसमें पूरा इवेंट ख़त्म हो। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या मैसेज देंगे? ये हमारे टॉपिक का खैर हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक सवाल मेरा यहाँ पर आपकी बातों से निकला, सोशल मीडिया आपने ब्रॉडकास्टर्स की बात की,
और जो लाइव चलाते हैं उनकी बात की और कमेंटेटर की बात की। आप क्या कहेंगे कई प्लेयर्स को, कई स्पॉन्सर को, कई लोगों को एतराज होता है, उनकी पोस्ट नहीं लगती, उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, एक छोटा सा मैसेज आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? ये भी इंसान ही है हमारी तरह, कहना मकसद है इंसान से गलती हो जाती है, कभी कभार कोई भूल जाता है, किसी की कोई ज्यादती या किसी से कोई नाराजगी दुश्मनी नहीं है, कोई कभी भूल जाता है। अगर भूल जाए तो आप एक दफा बंदे को रिमाइंड करा सकते हो, उसके बावजूद नहीं लगाए तो कहना मकसद है फिर आप उससे तौर तरीके से जो एक बात प्लेटफॉर्म उससे आप बात करके उससे बोलो कि भाई मेरे प्लेयर की क्यों लगाए। उमूमन मैंने बहुत कम देखा है कि हर प्लेयर की जो अच्छा परफॉर्म करता है, भले शेरवानी के अगेंस्ट करे, साकिब, वासिफ, वन स्टेप, जिसके भी अगेंस्ट कोई नॉर्मल या जूनियर प्लेयर या कोई यंगस्टर परफॉर्म करे, तो उसकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट अभी कर रहा हूँ कि उसकी पोस्ट से पहले लगाएं ताकि यंग प्लेयर ऊपर आए, क्योंकि टीम्स कम रह गई हैं, तरफ क्रिकेट कम हो रही है आपके सामने, क्योंकि दो दो तीन तीन टीमें ऐसी होती हैं जिससे प्लेयर मर जो के खेल रहे होते हैं, तो यंगस्टर्स को ऊपर लाएँ, अच्छी बात है। साकिब भाई सबसे प्लस पॉइंट है कि वो बी टीम भी उन्होंने शुरू किया, एस एम भाई की बी टीम अभी खेल रही है एक जगह और, तो बी टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे हो रहे हैं जो शेरवानी ए में दिखेंगे। साकिब भाई बहुत यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, वासिफ यंग लड़कों के साथ खेल रहे हैं, अब्दुल्ला भाई की टीम में 4 से 5 स्टार हैं यंग लड़के खेल रहे, तो ये अच्छी चीज है, इसी तरह से आप लोग सब हेल्प करते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म मौजूद है, अवेल करना प्लेयर्स का काम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। और मैं चलूंगा आरिस अली, एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने टेप बॉल क्रिकेट के साथ साथ हार्ड बॉल क्रिकेट में भी एक अपना नाम बनाया, अपना मुकाम बनाया, जानी पहचानी शख्सियत हैं। आरिस भाई क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? वैसे तो यकीनी तौर पर आप पाकिस्तान में भी कई इलाकों में क्रिकेट खेल चुके हैं, टेप बॉल क्रिकेट में कोई नई शख्सियत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम पहले सबको, और मैं अपना नाकामी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त इवेंट कराया, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो मैं इन लोगों को भी यही मैसेज दूंगा कि जब तक आप लोग इस ग्राउंड को अच्छा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो इस तरह के अच्छे इवेंट यहाँ पे होते रहेंगे और हम लोग भी इंशाल्लाह आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। दाऊद भाई आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक टॉस करके, आपने जाना कहीं नहीं है, आपको आज हमने पकड़ना है क्योंकि बड़े दिनों से इंतजार है आपका, टॉस की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर आपकी तरफ आऊंगा। का आगाज हुआ था दाऊद पहान पठान का और कराची टेप बॉल क्रिकेट का, लेकिन उससे पहले भी दाऊद खान पठान एक कराची टेप बॉल के एक जाने पहचाने नाम थे। क्या कहेंगे दाऊद भाई बीसीएल चैंपियन बिलाल चैंपियन लीग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं कामी लेफ्टी को जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाने का। इस वक्त हमारे साथ है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर, टॉप ऑलराउंडर में इनका शुमार होता है, उबैदुर्रहमान मौजूद हैं। उबैद भाई बीसीएल बिलाल चैंपियन लीग खेल रहे हैं, क्या कहेंगे कामी एंड कंपनी के लिए? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा स्टेप है और इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए इलाके में, इससे ये कि जूनियर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक कराची का एक उभरता हुआ सितारा ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में, जिसने 1 लाख+ फॉलोअर्स, 1,24,000 आई थिंक फॉलोअर्स हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गनी। बीसीएल चैंपियन लीग का ये मेला इस वक्त हमारे साथ मौजूद, क्या कहेंगे बिलाल चैंपियन लीग के हवाले से? माशाल्लाह कामी भाई की जितनी तारीफ करें, सबसे पहले कम से पहले बिलाल की लीग कराई थी, उसमें भी शानदार क्राउड था, शानदार टूर्नामेंट था, और अब जो है वो बीसीएल जिसके अंदर आल कराची ब्रांड है इस टूर्नामेंट को खेल रहे हैं। यकीनन बहादुर और दाऊद को मिस कर रहे होंगे ये लोग, लेकिन अभी मैंने दाऊद का देखा कि माशाल्लाह कितना शानदार इस्तकबाल किया लोगों ने, तो माशाल्लाह ग्रेट इवेंट, ग्रेट इवेंट। और इन बच्चों को क्या कहेंगे कि ये तमाम वीडियो जो ये लोग आ रहे हैं, ये कौन सी जगह पर आ रहे हैं वैसे, कहाँ देखेंगे? सलमान अब्बासी टीएचसी पेज है, उसके अलावा टेप बॉल क्रिकेट स्टार और उसके साथ साथ स्कॉर्पियन क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।